हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने दो पहिया, चार पहिया या फिर तीन पहिया की ऑनलाइन किस्त कैसे जमा कर सकते हैं। यदि आपने लोन पे गाड़ी वगैरह ले रखी है तो उसकी किस्त आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से किस प्रकार से जमा कर पाएंगे, लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं आपको अपने मोबाइल या पीसी में। इसके बाद दोस्तों, गूगल सर्च बॉक्स में बजाज ऑटो फाइनेंस डालकर आपको सर्च करना है। यदि आपने बजाज फाइनेंस कराया तो ही आप बजाज वाली वेबसाइट पर जाएं। दूसरे लोगों के लिए वीडियो नहीं है तो आपको बजाज ऑटो फाइनेंस डालकर सर्च करना है। पहले नंबर पर कुछ इस तरह की वेबसाइट दिख जाएगी। अब यहां पर आपको कस्टमर लॉगिन के नीचे पे बजाज ईएमआई पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। माउस का कर्सर देखते जाइएगा तो आपको ऑप्शन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर क्विक पे वाले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं क्विक पे लिखा हुआ है। इसके नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। इसके नीचे आपको लैन यानी कि लोन नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया है। आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है वो आप डालकर यहां पर सबमिट करेंगे तो आपके डिटेल्स जो है ओपन हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैं मोबाइल नंबर डालकर इस ब्लू कलर की सबमिट वाली बटन पर क्लिक करूंगा तो जो डिटेल्स है वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी के जो भी डिटेल्स है, हमारे जो भी ईएमआई पेमेंट के डिटेल है वो ओपन हो चुके हैं। तो यहां पर आपको आपका लोन नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ ईएमआई पेमेंट आपको करना होगा उसके डिटेल्स ओपन होकर यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में यह मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहां पर आप पेमेंट टाइप में यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर जिस भी टाइप का पेमेंट आप करना चाहते हैं उस टाइप का पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ईएमआई पेमेंट, फोर्स पेमेंट या फिर आप पार्टीशियल पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहां पर आज मैं आपको ईएमआई पेमेंट करके दिखाने वाला हूं। तो आपको ईएमआई पेमेंट पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अमाउंट टू बी पेड, जितना भी अमाउंट यानी कि महीने के जो भी किस्त है 2000-4000 जितनी भी आपकी किस्त है वही अमाउंट आपको यहां जो है डालना है। तो मैं यहां पर अपना अमाउंट जो है 4410 रुपए की हमारी महीने की किस्त है तो 4410 रुपए मैं इंटर कर देता हूं। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी कोड यानी कि जो भी कैप्चा कोड आपको यहां पर दिख रहा है इस वाले बॉक्स में टाइप करने के बाद नीचे आपको तीन ऑप्शन दिख जाएंगे, पे थ्रू यूपीआई, पे थ्रू अदर पेमेंट ऑप्शन, सेंड एसएमएस। तो दोस्तों, मैं यूपीआई के थ्रू करने वाला हूं तो मैंने पहले ऑप्शन पर क्लिक किया। इसके बाद आपको भी कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए नया मिल जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको पेमेंट इंटरफेस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहां पर आपको पेमेंट के सारे मेथड्स दिखाई दे जाएंगे। आपको जिन भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं फोन पे या गूगल पे के थ्रू करना चाहता हूं तो मैं यहां पर गूगल पे को सिलेक्ट करना कर लेता हूं। और इसके बाद यहां पर मुझे यूपीआई आईडी मांगी जा रही है तो मैं अपनी यूपीआई आईडी इंटर करके यहां वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहां पर मेरा नाम शो हो चुका है यानी कि वेरीफाइड हो चुका है। देन मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। अब मेरे फोन पर दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से हमारे फोन में जो भी अमाउंट हमने इंटर किया था उतने ही अमाउंट की जो है पे करने की जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए मैं इस अमाउंट को पेड कर देता हूं अपना पिन कोड वगैरह डालकर, जिस तरह आप नॉर्मल पेमेंट की तरह आपको अपने फोन से पेमेंट कट कर देना है। इसके बाद इसका जो कंफर्मेशन का सक्सेसफुल पेमेंट का जो पेज है, इनके वेबसाइट में अभी कोई एरर चल रहा हो सकता है आप जब तो उस टाइम ये इशू हट भी सकता है। यहां पर आप इसके यूआरएल में देख सकते हैं हमें सक्सेस का कंफर्मेशन पेज का यूआरएल मिल चुका है यानी कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल कट चुका है। आप इस चीज को चेक करने के लिए कि आपकी किस्त जमा हुई कि नहीं तो आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है, जहां पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कस्टमर लॉगिन, तो कस्टमर लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर कैंडिडेट यानी कि कस्टमर लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं मेरे माउस का। पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, देन आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके डाले गए मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, आपको यहां पर ओटीपी वाले बॉक्स में उस ओटीपी को जो कि 6 अंकों का होगा डाल यहां पर सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको ईकेवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। आप करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपनी ईकेवाईसी करने के लिए अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर स्किप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर सारे के सारे डिटेल्स शो करा दिए जाएंगे। कस्टमर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ के ऑप्शन में आपके सारे डिटेल्स शो करा दिए जाएंगे। और नीचे की तरफ देखेंगे लोन समरी में तो लोन एग्रीमेंट, लोन अमाउंट, एप्लीकेंट नेम, लोन स्टेटस, और यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखा दिए जाएंगे। करंट ईएमआई कब है और नेक्स्ट ईएमआई आपकी कब है, कितनी ईएमआई है, सारे के सारे डिटेल्स आपको यहां पर शो करा दिए जाएंगे। आप राइट साइड में देखेंगे डाउनलोड रिसिप्ट और अदर भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पर मुझे रसीद डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूं। यहां पर मेरा लोन नंबर मुझे दिखा दिया किस डेट से किस डेट तक की मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं यहां पर अगस्त और सितंबर महीने की ही डाउनलोड करने वाला हूं। आप जब से अपनी किस्त जमा किए हैं और जब तक की जमा की है सारी की सारी रसीद इसी तरह से यहां से प्रिंट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। और इसके बाद यहां पर मैं सर्च वाली बटन पर क्लिक कर दूंगा तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरी अगस्त और सितंबर महीने की दोनों महीने की रसीद मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरह आपको भी अपनी रसीद डाउनलोड करने न देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर मेरी जो सितंबर महीने की जो आज की डेट की रसीद है वो यहां पर देखने के लिए मिल गई। आपको दो ऑप्शन ब्लू कलर से देखने के लिए मिल जाएंगे, व्यू और
सेव, तो आपको यहाँ पर सेव वाली बटन पर क्लिक करके आपको अपनी रसीद सेव कर लेना है। देख सकते हैं मैं अपनी रसीद को सेव कर चुका हूँ। चलिए मैं अभी इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेटमेंट देखना है, आपने कब किस तारीख को कितनी किस्तें आपकी जमा हो गई, सारे के सारे यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए राइट साइड में मिल जाएगा। सारे डिटेल्स आप अपने लोन से संबंधित, ईएमआई से संबंधित यहाँ से निकाल सकते हो। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को ऑल पर प्रेस करिए और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ से अब इसे लॉग आउट करके जो रसीद हमने डाउनलोड की है उसे मैं दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रसीद नंबर और किस डेट को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 सितंबर को मैंने अभी जमा किया है, उसकी प्रिंट रसीद है। यहाँ पर देखिए मैंने 4410 का अमाउंट जमा किया है, नाम वगैरह यहाँ पर सारी डिटेल्स हमारे शो करा दिए जाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।